काको एंड कंचुकी बाबा हमेशा की तरह नियॉन बेचैन है और नकापोष नियंडर से ज्यादा मशहूर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मुझे यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? जाओ जाकर मेरे लिए जल्दी से बादाम वाला दूध लेकर आओ। नहीं सर, मैं नहीं लाऊंगी। क्या कहा तुमने? आप नियंडर की तरह ताकतवर बनना चाहते हैं तो बादाम वाला दूध भी खुद बना लीजिए ना। चुप रहो भाई, जब नियॉन कुछ भी कहता है तो कौन हमेशा उसका कहा मानती है, लेकिन आज क्या हुआ? ए कौन, तुम मेरी बात सुनो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त ऑर्डर्स देते रहते हैं। तुमने मेरे खिलाफ कैसे बोला? नियॉन सर, मैं आपके लिए सेब लाई हूँ। आए, ये दूसरी कौन कहाँ से आ गई? देखा नियॉन, तुम तो मुझे पहचान भी नहीं सके। कौन के लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है? ओ, तो आप कंचुकी बाबा हैं? वो क्या है, मैं अकेले खेलते खेलते थक गया था तो मैं चाहता था तुम मेरे साथ थोड़ा खेल लो। लेकिन मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। ओहो, मेरे पीछे मत आइए। मुझे तुम्हारा पीछा करना अच्छा लगता है। क्या हुआ नियॉन? मुझे उस झाड़ू की दुकान वाली आंटी से बहुत डर लगता है। अरे वो तो बस आंटी हैं, उनसे तुम क्यों डरते हो? मैं नहीं जानता मगर नियॉन आंटी से डरता है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उसे अपनी झाड़ू से एक अच्छा सबक सिखाया था। वो सबक उसे आज भी याद है। आए, चलो नियॉन, आओ मेरे साथ खेलो। देखते नहीं, मैं जरा बिजी हूँ। या यूँ कहो कि तुम हारने से डरते हो। ओफ हो, आप बहुत तंग करते हैं। आइडिया, वो झाड़ू की दुकान वाली आंटी इस खेल में माहिर है, आप उन्हें हरा कर दिखाइए, तब आएगा मजा। ओ, पहली बार तुमने अकल की बात की है। मैं यहाँ आपको चुनौती देने आया हूँ। मेरे साथ खेलना चाहते हो पर मैं तो इस वक्त बहुत बिजी हूँ। क्या क्या कहा तुमने, तुम भी बिजी हो? सुनाई नहीं देता क्या? जाओ मुझे अपना काम करने दो। आहा, जब कंची की बाबा या नहीं होते तो कितना अच्छा लगता है। ओ नियॉन सर, मुझे नहीं पता था कि झाड़ू वाली काको खेल में इतनी माहिर होगी। ओहो, मैंने अपना दिमाग क्यों चलाया, मैं तो चाहता था कि वो दोनों आपस में लड़े। मुझे उन दोनों से नफरत है पर लगता है मैंने ठीक किया है। ओहो, अब क्या हुआ? आपने बहुत बुरा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने बुरे हो सकते हैं। चाहिए जाकर उन्हें रोकिए। ओहो, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। बता दिए तो जाके रोकिए ना। हाय, ये तो वापस आ गया है। बड़ी बदतमीज हो, समझ में नहीं आता तुम्हें अकड़ किस बात की है। अब मैं समझ गया असली बात क्या है, हारने से डरती हो। अगर मैं थोड़ा और रुक जाता तो दोनों में लड़ाई हो रही होती। खैर कोई बात नहीं। नियॉन, तुम यहाँ कैसे? वो क्या है कि एक बूढ़ा आदमी मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया है और मुझे बहुत तंग कर रहा है। उसकी वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई है। ये तो बहुत बुरी बात है। आहा, ये टूट क्यों नहीं रहा? लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब क्या करो? क्यों, क्या हुआ? अब मैं सफाई कैसे करूंगा, ये झाड़ू टूट गई है। सुनकर अच्छा लगा तुम सफाई कर रहे थे। वहीं रुक जाओ, मैं दूसरी झाड़ू ले आता हूँ। ये झाड़ू तो टूट गई। समझ में नहीं आता आप ये इतने रद्दी झाड़ू क्यों बनाती हैं? हाँ, तो तुम ही वो बूढ़े हो जो नियॉन के यहाँ ठहरे हो। बूढ़ा मैं नहीं, तुम बुढ़िया हो। तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी के लिए मेरे पास कोई झाड़ू नहीं है। मुझे भी तुम्हारी दुकान से कुछ खरीदने का शौक नहीं।
किसी ने जरूर इसके साथ छेड़छाड़ की होगी, नहीं तो मेरी झाड़ू इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। हाँ, ये क्या, किसी ने जानबूझकर इसे काटा है। ये करतूत तुम्हारी है ना नियोन? अगर मैं बिना झाड़ू के खाली हाथ नियोन के पास वापस लौट गया तो मेरी ये लंबी नाक कट जाएगी। ये काम तुमने किया है ना? बोलो, तुम्हीं ने झाड़ू तोड़ी है ना? बोलो। अरे, ये तो इसकी पिटाई कर रही है। रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकती, इसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। देखता हूँ तुम कैसे पिटाई करती हो इसकी। ये टेढ़ी छड़ी टेढ़ों को सीधा कर देती है। अच्छा, तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? तुम्हें क्या लगा तुमसे डर जाऊंगी? तुमने गलत जगह पंगा ले लिया। बकवास मत करो। ये कैसी आवाज? नियोन, तुम कहाँ हो? अब इसे कौन बचाएगा? मैं जाता हूँ। रुको, नकाबपोश नियोन, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। ये मैं चला। वो है कहाँ? चले जाओ, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी। ये जिद करने का वक्त नहीं है। आओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हो? शुक्र है, नियंडर ने उसे बचा लिया। अब बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? शायद वो दोनों रास्ता भटक गए हैं। वैसे वो है कहाँ पर? कुछ कुंची, वो दोनों वहाँ हैं। से आवाज आ रही है तो रास्ता वही होगा। बाहर जाने का रास्ता। छोड़ दो मुझे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जरा आराम से काम लो। लो, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। शुक्र है तुम बच गए। शुक्र मनाओ, मैं वक्त पर आ गया और मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हें काफी चोट लग सकती थी नियोन। आओ, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हो, मुझे लेक्चर मत दो। तुम जैसों को लेक्चर देना पड़ता है। मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूँ, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया नियंडर। तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी है ना? लो ये खा कर देखो। पता नहीं मुझे ये अच्छा लगेगा भी या नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें इस झाड़ू को जानबूझकर तोड़ा था है ना? जानबूझकर तोड़ा था? ऐसा क्यों किया था तुमने? अब तुम ही मुझे हूबहू ऐसी झाड़ू बना कर दोगे। सर, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ मिले। अरे कौन तुम यहाँ? कौन सी की मामा और काको एक ही टेबल पर, लगता है नियोन सर ने इनकी दोस्ती करवा दी। नियोन सर, आप कितने अच्छे, कितने प्यारे और नेक। अब ऐसा ही लगता है। लगता है नहीं सर, आप हैं, यकीन मानिए। बढ़िया खाना है। कौन ये खाना बनाने में माहिर है, मगर वो सिर्फ नियोन का मनपसंद खाना बनाती है। मेरी पसंद का खाना तो वो बुढ़िया ही बनाती है, वहीं जाकर खाता हूँ। चलो ठीक से कोशिश करो। आप मुझसे ये सब काम क्यों करवा रही हैं? तुमने मुझसे वादा किया था कि सब कुछ करोगे,
अब रोना बंद करो और काम पर ध्यान दो। अगर तुमने अच्छी तरह से काम पर ध्यान दिया तो तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा। मुझे आपका स्टूडेंट नहीं बनना है। आप नकाब पोश नियांडर की मदद करती हैं, इसलिए मेरी और आपकी नहीं जाएगी। नियान की चाल फिर से नाकाम हो गई। वो चाहता था कि कंची के बाबा और काको आपस में लड़े, उल्टा हुआ ये कि वो दोनों दोस्त बन गए। तो देखते रहिए, हम आ रहे हैं एक और रोमांचक कहानी लेकर। कहीं मत जाइएगा,